बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माल्टा बहुत अच्छा बाज़ार में आ गया है, तो माल्टे से हम ऑरेंज जेली तैयार करेंगे। तो माल्टे का हम जूस निकाल लेंगे। सबसे पहले तो ये हमने 1.5 कप जूस ले लिया है और साथ में चीनी ली है मैंने। ये है हमारे पास 2 टेबल स्पून। आप शुगर इसके माल्टे के हिसाब से चीनी डालें। अगर खट्टा माल्टा है तो थोड़ी ज़्यादा डाल लें, अगर माल्टे का जूस थोड़ा सा कम खट्टा है तो आप कम डाल लें। और साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून डाला है कॉर्नफ्लोर। तो जूस को हम पहले थोड़ा सा स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा जो इसमें कोई थोड़ा बहुत सीड वगैरह रह गया हो तो वो निकल जाए। तो हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कर लिया है स्टेन। तो ये हमने इसको बहुत थोड़ा सा ये जो रह गया है ये हमारे पास छना हुआ अच्छा जूस आ चुका। 400 ml हमारे पास जूस है, तो इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून चीनी। आप इसमें चीनी अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं, बट इसको इसकी खटाई देख के आप लें। अगर आपके पास जूस ज़्यादा खट्टा है तो आप चीनी ज़्यादा ले लें, अगर आपके पास कम खट्टा है तो फिर आप 1 से 1.5 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, या फिर आप इसकी खटाई के हिसाब से चीनी एडजस्ट कर लीजिएगा। हम बाकी साथ ही इसमें डाल लेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के हम इसमें 3 टेबल स्पून डालेंगे। तो ये हमने 3 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है। अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली या कोई लम्स ना रह जाए इसका कॉर्नफ्लोर का। तो अब हमने जिस चीज़ के अंदर इसको रखना है, सेट करना है, वही हम बर्तन ले लेंगे। और ये मैंने 2 ग्लास इसके लिए चूज़ किए हैं। आप चाहें तो आप किसी भी ट्रे में, किसी बोल में या जिसमें भी आप चाहें उसको रख सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको बना के तो रखेंगे फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज में रखने के लिए हमने जिस भी चीज़ में इसको डालना है उसको पहले थोड़े से देसी घी या ऑयल के साथ आप ग्रीस कर लें। तो मैंने ये ग्रीस कर लिए हैं। ये काम आप पहले करके रख लें। कोशिश करें कि पूरा बर्तन जो है वो ग्रीस हो जाए अच्छी तरह। अगर आपको ऑयल ज़्यादा आपसे डल जाए तो वो आप एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दें। अब हमने एक ले लिया है पैन और इसके अंदर हम डाल देंगे ये अपना ऑरेंज जूस। दोबारा से इसको अच्छी तरह शेक कर देंगे। अब इसको हमने मीडियम लो आग पे पकाना है। इतनी देर हमने पकाना है कि ये अच्छा सा जैसे हम कस्टर्ड तैयार करते हैं उस फॉर्म में थिक हो जाए उतना सारा। तो उतने देर के लिए हमने इसको पकाए रखना है। मुसलसल इसमें स्पैचुला हम चलाए रखेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ये जेली है। डेजर्ट आप तैयार करें इसको 5 से 7 मिनट लगते हैं टोटल इसको बनाने के लिए। तो आप बजाय इसके कि बाज़ार से बच्चों को जेलीज वगैरह लेके दें, तो मौसमी फ्रूट है आप घर में बहुत ही हाइजीनिक तरीके से इसको बना सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो ये आमतौर पे तो हम जब बच्चे हमारे जेलीज या कैंडीज़ या कुछ ऐसा खाते हैं तो उनके दांत बहुत ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल डाला होता है। तो इसको चूंकि इसमें सारा ऑरेंज है तो विटामिन सी इसमें बहुत ही वाफर मकदार में मौजूद है। तो ये बच्चों की स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ों बच्चों सब के लिए ही। लेकिन चूंकि बच्चे ऐसी चीज़ों के बगैर रह नहीं सकते, कैंडीज़ और जेलीज़ और टॉफ़ीज़ और ये सब, तो बच्चों की दांतों को भी नुकसान नहीं होगा, बजाय नुकसान के फ़ायदा होगा। स्किन बड़ी अच्छी रहेगी और बहुत सारे नुकसानात से बच्चे महफूज रहेंगे जो कि बाज़ार की चीज़ों से वो उनको नुकसान मिलते हैं। ये आप देखें थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है, लेकिन इस स्टेज पे हमने मुसलसल इसमें स्पैचुला या चम्मच चलाते रहना है। तो ये आप देखें
थिक होना शुरू हो रहा है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये डेज़र्ट हमारा हो गया है तैयार। इसको हमने जेली की फॉर्म में ही थिक कर लेना है। बस ये हमारा जो है जेली का डेज़र्ट तैयार हो चुका। इतना ही आपने थिक कर लेना है कि ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए। जैसे ये देखें आप, ये तो इसकी ये कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए, ये वाली। अब मैं इसको एडिट इधर नहीं करूँगी, मैं चाहूँगी कि आप सारा इसको मुकम्मल देखें इतना, ताकि आपसे ख़राब ना हो। अगर आप इसको ट्राई करें तो आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। ये देखें ऊपर दोबारा से शाइन आना शुरू हो गई है, जैसे कि हमारे ऑरेंज जूस के ऊपर आनी चाहिए, जेली जैसी शाइन आना शुरू हो गई है। तो यही फॉर्म है इसकी परफेक्शन की। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और अब हम जो जिस भी मोल्ड में रखना चाहें, बर्तन में जिसमें भी रखना चाहें, जो आपने ग्रीस किया हुआ है उसमें हम कर लेंगे इसको ट्रांसफ़र। थोड़ा सा पहले मैं ठंडा होने दूंगी, क्योंकि शीशे का मेरे पास ग्लास है तो ये ना हो कि वो टूट जाए। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं उसमें इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये थोड़ा सा हमारा हो गया है सेट, तो अब मैं इसमें डाल लूँगी। अब बाकी मैं दूसरे में डाल दूंगी। तो ये हमने डाल लिया है, सेट कर देंगे अच्छी तरह। अब हम इसको क्या करेंगे कि चार से पाँच घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। तो ये हमने सेट कर लिया है, ये आप देखें ये इस तरह का सेट हो चुका है। तो अब हम इसको कर लेंगे, इस पर थोड़ी देर रखेंगे तो ये खुद ही, ये देखिए ये यूं थोड़ा सा हम हिलाएंगे तो ये ऐसे, ये आप देखें ये जेली की फॉर्म में निकल आया है। तो अब हम इसको पीस काट लेंगे। आप जिस तरीके से भी आप काटना चाहें, आप उसी शेप के काट सकते हैं, लंबे गोल, चूंकि ये गोल है तो इसके गोल ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो हम इसके गोल पीस काट लेते हैं, ये तो ये आप देखें कितना अच्छा और कितना परफेक्ट ये बना है। इसी तरह हम सारे काट लेंगे। तो ये हम बाकी भी इसी तरीके से हम काट लेंगे। आप चाहें तो इससे छोटे बड़े या बारीक या मोटे भी काट सकते हैं। तो अब हमने साथ ही ले लिया है ये कोकोनट, कोकोनट का ये पाउडर है। तो अब हम इसको इसके अंदर डिप करेंगे, कोट कर देंगे पूरा अच्छी तरह। ये तो ये आप देखें, इसी तरह हम सारे कोट कर लेंगे। तो अब हम इसको सर्विंग डिश में रखेंगे। मैंने एक ही ग्लास की ये काटी है, दूसरे ग्लास की मैं किसी और शेप में काटूंगी। तो आप भी कोई और शेप अगर देना चाहें तो आप भी दे सकते हैं, बहुत मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा और बच्चों को ये बहुत ही अट्रैक्ट करेगा इंशाल्लाह।
तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा रेसिपी को, और बेल का आइकन दबाइएगा ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और साथ ही साथ दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।